नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NSP न्यूज़। मैं चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम मौजूद है वजीरपुर विधानसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी और उनके कार्यकर्ता हैं पप्पू गुप्ता जी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि 8 फरवरी के चुनाव के बारे में क्या कहना है इनका। सर, आप क्या कहना चाहोगे 8 फरवरी को जो चुनाव है, चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? 8 फरवरी को जो भी मतदान होगा, हम अधिक से अधिक संख्या में BJP को जिताने की कोशिश करेंगे और हमारी यही मनोकामना है कि जितना अधिक से अधिक हो BJP के पक्ष में मतदान हो, ताकि जो अलगाववादी तत्व हैं उनको बढ़ावा ना मिले और हमारी BJP सरकार जो भी है काम करने में सक्षम है। केजरीवाल सरकार जो भी आई, उस सरकार ने ना ही तो कोई काम किए, इन्होंने 4.5 साल ऐसे बिता दिए कि मानो बिल्कुल बुरी तरह से। जब तो कहते रहे कि भई हमारे को कोई काम नहीं करने दे रहे, प्रधानमंत्री मोदी हमारे में ये अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इन्हें 6 महीने में सारी छूट मिल गई क्या कि भई 200 यूनिट बिजली भी हो गई, पानी भी फ्री हो गया, सारी चीज़ फ्री करने लगे। इन्होंने स्कूलों का वायदा किया था, कोई स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनी। इन्होंने वायदा किया कि सुलभ शौचालय अच्छे बनाएंगे, वो नहीं बने। इन्होंने काफ़ी वायदे किए, कोई एक वायदा पूरा नहीं हुआ। और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की स्थिति देखें तो यहाँ के विधायक ने 2 पैसे के काम करके नहीं दिखाए और अपनी जिम्मेवारी से मुकरते हुए फेल हो गए। आप शाहीन बाग के बारे में क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके का धरना प्रदर्शन चलता आ रहा है? ये सिर्फ हमारी केजरीवाल सरकार जो है वो शाहीन बाग को बढ़ावा दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो NRC में, ना ही CAA में, बाद बाकी ये सिर्फ मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए काम हो रहा है। बताइए, मुसलमान जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इससे हमेशा ही अलग हैं। बताया कि 8 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ दिन पूर्व ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली में केजरीवाल जी बिल्कुल स्वीप कर जाएंगे, दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली की सारी स्थिति है वो बिल्कुल पलट रही है। मुख्यतः जब से शाहीन बाग का मुद्दा आया है, तब से जो दिल्ली का वोटर है वह केजरीवाल जी के खिलाफ जो है अपना मन जो वो बना चुका है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपना वोट देने का मन जो है ऐसा बना रहा है, ऐसा लग रहा है। तो केजरीवाल जी का जो ग्राफ है वो तेज़ी से गिर रहा है और भाजपा का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इतनी तेज़ी से बढ़ता रहा तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार अपने में भी बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम अखबारों की और गूगल पे देखें तो दिल्ली का सट्टा बाजार भी यही कह रहा है कि धीरे धीरे भाजपा का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी जिन्होंने दिल्ली में दंगा कराया उसको बुलाकर केजरीवाल जी ने टिकट दिया, और जितने भी ऐसे जो देश के मुद्दे थे केजरीवाल जी हमेशा उसमें देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए ऐसे लोगों को नज़र आए, तो इसलिए सबका झुकाव देश की प्रति चिंता करते हुए मोदी जी की तरफ है, और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार भाजपा की बने ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी ने जितने वादे किए दिल्ली में उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। जैसा सबसे पहला वो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हम एक कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मैं पूरी, और पिछले 5 वर्षों में एक यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात, एक भी नया कॉलेज दिल्ली में उन्होंने शुरू नहीं किया। अस्पतालों की बात करते हैं, दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया गया। ऐसे ही सब क्षेत्रों में जो है वो केजरीवाल जी फेल हैं। यह बताएं, उन्होंने बहुत बड़े ऐलान किए कि हम एक मोटरसाइकिल से एम्बुलेंस जो है वो लेके जाएगी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली इलाके में जब आग लगी और सैकड़ों लोग उसमें जल के मर गए, तब आपकी जो वाटर एम्बुलेंस थी जो आपने कहा था मोटरसाइकिल पर जाएंगे, वो कहाँ गई? केजरीवाल जी ने कहा कि हमने हर इलाके में अपने वो CCTV कैमरे लगा दिए हैं, जब दिल्ली में दंगे हुए, पुलिस के और सरकारी वाहन जलाए गए, तब आपके कैमरे कहाँ थे? उन कैमरों ने एक की भी फ़ोटो नहीं ली दंगाइयों की। तो केजरीवाल जी हर काम में झूठे साबित हुए हैं, और ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है और दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये धर्म की राजनीति करती है, इस पर क्या कहोगे आप? नहीं, धर्म
का अर्थ होता है जो यस्य धारयस्ति ततो धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। हमारा तो मानव धर्म है और हमारे लिए देश जो है वो सबसे पहले, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा वो हमारे लिए अधार्मिक है। मैं 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, सबके सब भारतीय हैं, अपने हैं कोई गैर नहीं। हमको न मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं, सबके सब भारतीय हैं, अपने हैं कोई गैर नहीं। लेकिन मंदिर में हो वेद मंत्र, गुरुद्वारे में गुरबाणी चले, इससे ना कोई ऐतराज, इसमें ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। तो हमें तो जो देशभक्त है हम उसके साथ हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं हम उसके साथ हैं। कोई हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जब मोदी जी को सड़क बनाते हैं तो उस पर सारे धर्मों के, सारी जाति के, सारी मत के, सारे प्रांत के, सारी भाषा बोलने वाले लोग चलते हैं, कोई किसी एक के लिए वो नहीं होती है। अभी मोदी जी ने पीछे 10% आरक्षण जो कि सामान्य से गरीब लोगों के लिए किया, तो किसके लिए किया? सबके लिए, सब जातियों के लिए, सब धर्मों के लिए, सब पंथों के लिए किया। तो ऐसा, ये तो आरोप है केवल, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। धन्यवाद।